महिषासुर ने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया। वो वरदान था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता है, उसे मार सकता है तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री, क्योंकि महिषासुर स्त्री को कमजोर और तुच्छ समझता है। तो माता महादेवी दुर्गा ऋषि कात्यायन के घर उनकी पुत्री के रूप में, माता कात्यायनी के रूप में जन्म लेकर महिषासुर को मारने के लिए धरती पर अवतरित हो गई। इसीलिए उन्हें कात्यायनी माता भी कहा जाता है। हे दोस्त, आप देख रहे हैं डेंजर शोभा चैनल। ये व्रत का छठा दिन होता है। माँ दुर्गा ने कात्यायनी अवतार में ही महिषासुर का वध किया था और इस स्वरूप में माता जी के 18 हाथ होते हैं और इसीलिए इन्हें गॉडेस ऑफ पावर भी बोला जाता है। तो इसके पीछे एक कहानी है कि उस समय महिषासुर के आतंक से देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी त्राहिमाम थे। तो सभी देवता एकत्रित हुए और महिषासुर का वध करने के लिए उपाय सोचने लगे। फिर महादेव जी ने एक सुझाव दिया सभी देवताओं को कि चलो चलते हैं कात्यायन ऋषि के घर, वहीं कात्यायनी माता से अनुरोध करेंगे कि वो उनका वध करें, क्योंकि महिषासुर का युद्ध सिर्फ एक स्त्री ही कर सकता था। वहां पहुँच के सभी देवों ने कात्यायनी माता से अनुरोध किया और साथ ही सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां और शस्त्र प्रदान किए। सभी शस्त्र ग्रहण कर माता विंध्याचल पर्वत की ओर चली गई। ये खबर जैसे ही महिषासुर को पता चला, उसने अपने दूत को विंध्याचल पर्वत की ओर शादी का प्रस्ताव देकर भेज दिया। तब माता ने उसके दूत से कही कि अगर मेरे से शादी करना है महिषासुर को, तो उसको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। ये बात सुनकर महिषासुर आग बबूला हो गए और जल्दी अपनी सेना को लेकर माता कात्यायनी से युद्ध करने के लिए। काफी घनघोर युद्ध होने के बाद माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर दिया। इसके साथ ही आज का टॉपिक यहीं तक था। आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।